हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आप और वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दोनों की थिंकिंग हम देखने वाले हैं अभी इस वक्त की, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है कि कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। और थोड़ा पेशेंस होकर के सुने, आराम से सुने, और आशा है कि आप सब मेरी बातों को मानेंगे और आराम से एकदम से सुनेंगे, ठीक है। जो भी आपके पर्सन और आप दोनों सोच रहे हो वो, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप अपने पर्सन को क्या करना है, आपको याद करना है, ओके। चलो अपने पर्सन को याद कर लो। कर लिया याद आपने अपने पर्सन को। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अब हम ठीक है, आपके पर्सन जो है आज आज जो है अभी अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप क्या सोच रहे हो, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन कन्फ्यूज़ है, ठीक है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे बनी हुई है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पे इस तरीके की कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन की कि ये पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि ये अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, है ना, अपने अंदर दबाए हुए है। और ये पर्सन ऐसा है कि ये पर्सन सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ आगे फ्यूचर में इनका क्या होगा, इनके रिलेशनशिप का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी में होते हैं ना। देखो ये पर्सन कहीं हद तक आज पूरे दिन भी सोच रहे थे और अभी भी सोच रहे हैं कि क्या है हमारा और उसका रिलेशन है क्या, कहीं ये कार्मिक रिलेशन तो नहीं है, कहीं ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हर एक बात में मुझे इनका नज़र आ रहा है कि ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा समय के चेंज होने का ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। समय के चेंज होने का एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि समय कब बदलेगा, कब पॉजिटिविटी आएगी, कब ये रिलेशनशिप सही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन समय के बदलने का भी वेट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का क्लियरली दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी दूर का सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि हाँ हमारा रिलेशनशिप आगे आएगा, हमारा रिलेशनशिप आगे आएगा, है ना। तो ये पर्सन मुझे देख कर मतलब कि सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ये क्लियरली बताती है कि आपके पार्टनर जो है, देखो इन्होंने काफ़ी कुछ ब्लेम भी किया है आपको लेकर के, आपके
चरित्र पे इन्होंने उंगलियां उठाई हैं, है ना। जैसे कि आपको बोला है कि तुम्हारा रिलेशन ऐसा है, तुम किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, तुम ऐसे पर्सन हो, तुम वैसे पर्सन हो, तो इस पर्सन को थोड़ा उस बात का अब रिग्रेट फील हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अपनी जो जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है ना, अब जो इनको रिग्रेट जो फील हो रहा है, ठीक, अब ये जो है ना उसको अब जो रिग्रेट फील हो रहा है ना, अब उसको जो है ना ये नहीं करना चाहते कि हाँ मैंने गलती की है, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं इनको, क्योंकि इनका ईगो इशू बहुत ज़्यादा है। इनका मुझे ईगो प्रॉब्लम बहुत बहुत दिखाई देता है, जिसके कारण से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या माफ़ी मांगना ज़रूरी है क्या, ठीक है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है क्या। हम दोनों के बीच में तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुई है, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं थर्ड पार्टी के कारण से आई है, और थर्ड पार्टी ने हम लोगों में आग लगाई है, तो इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है क्या, है ना। तो ये पर्सन अपने आप में ही जो है ना एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पे, है ना। इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने मतलब होता है ना कि हाँ रिग्रेट फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम माफ़ी मांग लेते हैं, है ना। तो वैसा मुझे नज़र आ रहा है आपकी आपकी रीडिंग में, कि एकदम से अलग सा बिहेवियर, एकदम से चेंज हो गया बिहेवियर। इनको भी लगता है कि हाँ आप इनके प्रति चेंज हो गए हो और ये आपके प्रति चेंज हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक होता है कि चेंजेस हुए हैं तो इनको चेंजेस को बदलना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन अपने ईगो में रह करके इस चेंजेस को बदलने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो कि इनको होता है ना कि हाँ जो इनके जैसे कि इनके फादर हैं, जैसे कि इनकी मदर हैं, या फिर कोई सॉरी या कोई इनका कोई करीबी फ्रेंड है जो इनको सही तरीके से गाइडेंस दे, है ना। तो ये मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके इनका क्या होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं, यहाँ पे ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं अभी कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हम दोनों फिर भी अलग हो गए। कहीं ना कहीं इनको लगता है, ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप किसी और के साथ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पर्सन अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये पर्सन कई हद तक अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि ये पर्सन रोक रहे हैं, और रोक करके जो है ना ये पर्सन सोच तो रहे हैं, देखो फैमिली का इशू है या जो भी इशू है, बट ये पर्सन है सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स डालने चाहिए, अपने रिलेशनशिप में जो है ना थोड़ा आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कर नहीं पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कर नहीं पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको कन्फ्यूज़न है, अभी ये क्लियर नहीं हो रहे हैं कि हाँ मुझे अपने पर्सन के साथ जाना है नहीं जाना है, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं, कहीं हद तक ये पर्सन ये जानते हैं कि आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, आपसे रिलेटेड कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। चाह करके भी भूल पाना इनके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये पर्सन उसी के कारण से घिर जा रहे हैं, ये एकदम से घिर करके जो है ना रह जा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में आसानी से बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी और के साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मेरे लिए वो टफ रहेगा कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो पता नहीं मेरा पर्सन मुझे ट्रीट करेगा या फिर आगे की सिचुएशन क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा थिंकिंग है कि ये पर्सन सडनली आपको
सडनली ये पर्सन आ जाते होंगे और सडनली ये पर्सन चले भी जाते होंगे, क्योंकि इनको इनको भरोसा नहीं होता है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट इशूज, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आपके पर्सन, और इसीलिए ये बार 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 आते हैं और चले जाते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक। तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है अभी फिलहाल। सो यहाँ पे जो है ना कैंडल करते हैं स्टॉप, और मैं कार्ड के द्वारा देखूँगी, ठीक है। कार्ड के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी सॉरी, सांस लेने में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है कि आप लोग कहोगे दी आराम कर लो, मैं आराम कर रही थी, ठीक है। लेकिन कल मैंने आप लोग को बोला था कि कैंडल वैक्स दूंगी, और कैंडल वैक्स दिया नहीं। सो मैंने कहा कि आज भी मेरा रह जाएगा, और कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा नहीं लगता ना किसी को इंतज़ार करवाना। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। मैं अब देखूंगी कि ये नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं कार्ड के द्वारा, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आपको कमिटमेंट देने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि ये पर्सन कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आपको, और कहीं हद तक ये पर्सन जो है मुझे नज़र आता है कि कमिटमेंट दे करके, देखो यहाँ पे क्लियर कार्ड्स बताते हैं कि आपको ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते तो है, ठीक है। क्लियरली है कि ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनका ऑन ऑफ करना है ना थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर जाता है। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन जो है इस पर आना चाहते हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से ये जो आना जाना लगा रहता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक। यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है कि इस बार आएंगे तो पूरी तरीके से क्लियर होकर के आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सेवन ऑफ वैंड्स के कार्ड से कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको लग रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन पैशनेट भी काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। ये पर्सन का ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के और सीरियस होना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि सीरियस, थोड़ा बहुत सीरियस होंगे। और यहाँ ये पर्सन जो है एक्शन लेने के बारे में, कमिटमेंट देने के बारे में ये पर्सन सोचने वाले हैं। देखो यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। तो यही है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ इन्होंने क्या किया है, और ये पर्सन क्या करेंगे आगे फ्यूचर में, है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन टोटली बहुत जो है एक एक अलग सी एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि हाँ इनको लग रहा है कि हाँ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे तब हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा। ये जो मिस्टीरियस सा बने हुए थे आपके पर्सन, एकदम से मिस्टीरियस सा जो जो ये कर रहे थे आपको, कमेंट कर रहे थे, या फिर जो मिस्टीरियस बन करके आपको दिखा रहे थे कि हाँ ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो अब जो है ना ये पर्सन अब मिस्टीरियस जो है ना यहाँ पे नहीं होना चाहते हैं, अब जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। आखिर कब तक ये मिस्टीरियस होकर के आपके साथ रिलेशनशिप में गेम खेलेंगे, है ना। तो ये पर्सन जो है ना इस बारे में सोच रहे हैं, और इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि क्लियर होंगे और आपको कमिटमेंट देने का मुझे नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट देने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर में जो है ना ये पर्सन
कमिटमेंट देने के बारे में सोच सकते हैं। वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी फैमिली से भी बात करेंगे आपके लिए। यहाँ पे दिखता है जैसे कि फैमिली से बात करेंगे, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि आपसे शादी करने के बारे में ये अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि ये फैमिली से बात करेंगे और क्लियर कट में बात करेंगे, यहाँ पे क्लियर तरीके से बात करेंगे कि हाँ इनको जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, कंटिन्यू करना है, या फिर आपके साथ ही सिर्फ जाना है, या फिर किसी और के साथ जाना है। तो ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे और कहीं हद तक ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि आपसे लव करते हैं, आप इनसे लव करते हो, दोनों एक दूसरे से लव करते हो। तो ये जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, ना कि अपनी फैमिली की बात मान करके किसी और के साथ जाने की कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने फ़िलहाल हाँ कह दिया होगा, लेकिन इनका बाद में सीजन चेंज हो सकता है। ठीक, यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है आपकी रीडिंग में। ठीक है, सो रीडिंग को करते हैं खत्म। और इसके साथ ही बता दूं कि ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ठीक है, इसकी बुकिंग स्टार्ट है लव लाइफ के लिए। और ये जो है ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट है, ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है, ठीक है ना, इसको मैं चार्ज करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और ये चार्ज करके जो है ना मैं आपको दूंगी, और इसको चार्ज करने के बाद से आपके ऊपर इसका इफेक्ट दिखेगा। ये आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए है ना, आपका माइंड शांत नहीं रहता है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उसके लिए है। और ये जो है ब्रेसलेट, ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को सही करेगा। चाहे आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है, किसी के साथ भी खराब हुआ है, आपके भाई बहन या फिर लवर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जिसके साथ भी, तो ये रिलेशनशिप के लिए स्पेशली है ना ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। हम मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।